डीसी मशीन में कम्यूटेशन क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट इंड्यूस होती है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती है सो so, जिस प्रोसेस के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को कम्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने में कम्यूटेटर का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्यूटेटर रोटेटिंग रिंग होता है इस प्रोसेस में जो कम्यूटेटर है वो मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा सो so, कम्यूटेटर जिस प्रोसेस के थ्रू इंड्यूस्ड एसी करेंट को डीसी करेंट में कन्वर्ट करता है दैट प्रोसेस प्रोसेस इज नोन एज कम्यूटेशन इस लेक्चर में हम लोग कम्यूटेशन प्रोसेस को काफी डिटेल में समझेंगे क्लास ऑफ कम्यूटेशन एंड रिवर्सल ऑफ करेंट को समझेंगे एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन को देखेंगे सो टॉपिक काफी इंफॉर्मेटिव है वॉच द वीडियो कम्प्लीटली कम्यूटेशन प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग पोलरिटी ऑफ करेंट को समझेंगे सपोज़ यहाँ पर डीसी जनरेटर का आर्मेचर है जो कि एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है इसके साथ कार्बन ब्रश अटैच है जो कि स्टेशनरी होता है ब्रसेज जो रहता है वो रोटेट नहीं करता है एंड ब्रश एक्सिस कह लो जी एन एंड एम एन एक्सिस रिप्रेजेंट होता है सपोज इस टर्मिनल से आई करेंट इंटर हो रही है एंड निगेटिव टर्मिनल से एग्जिट हो रही है आर्मेचर के दो क्वाइल ए एंड बी को कंसिडर कर रहे हैं टू चेक द प्लिटी ऑफ करेंट सो इंटर करने वाली आई करेंट जो है वो क्वाइल ए एंड बी में इस तरह फ्लो करेगी इस टाइम क्वाइल ए में करेंट की डायरेक्शन एंटी क्लोक वाइज है जबकि क्वाइल बी में करेंट की डायरेक्शन क्लोक वाइज है सिंस रोटर क्लोक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है सो फ्यू मोमेंट के बाद क्वाइल ए एंड बी का पोजिशन इस तरह हो जाता है इस मोमेंट पर क्वाइल ए एंड बी में करेंट की डायरेक्शन जो है वो क्लोक वाइज है हम लोग इसी पॉइंट पर स्टडी कर रहे हैं पहले क्वाइल ए पर करेंट की डायरेक्शन एंटी क्लोक थी एंड ब्रश एक्सिस को क्रॉस करने के बाद क्वाइल ए पर करेंट की डायरेक्शन क्लोक हो जाती है सो so, यहाँ पर करेंट जो रिवर्स हो रही है दिस रिवर्सल ऑफ करेंट इज़ नोन एज कम्यूटेशन डी जनरेटर में कम्यूटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो so, लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखें टू गेट फुल इंफॉर्मेशन नाउ हम लोग समझेंगे इंड्यूस्ड एसी करंट डीसी करंट में कैसे चेंज होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्यूटेशन कम्यूटेटर एक मेटालिक रिंग होता है जो कि इंसुलेटेड सेगमेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है इस प्रोसेस को समझने के लिए कम्यूटेटर रिंग को स्प्रीड किया गया है जो रिंग था उसको ओपन करके दिखाया गया है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए थ्री कोयल को कंसिडर किया है कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से इंसुलेटेड रहता है एज इंसुलेटिंग मटेरियल यूजुअली माइका का यूज किया जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ कार्बन ब्रश अटैच रहता है जो कि स्टेशनरी होता है एंड जब कम्यूटेटर रिंग रोटेट होता है तो ब्रश का पोजिशन चेंज होता है सो कम्यूटेशन प्रोसेस को समझने के लिए ब्रश के थ्री मेजर पोजिशन को हम लोग कंसिडर करेंगे सपोज फर्स्ट केस में जो ब्रश है वो कम्प्लीटली कम्यूटेटर सेगमेंट सी पर है एंड क्ल में करेंट की डायरेक्शन इस तरह है तो इस केस में कोईल थ्री से आई करेंट एंड क्वाइल टू से आई करेंट सेगमेंट सी में आएगी जिसको ब्रश कलेक्ट करेगा सो फर्स्ट केस में जो ब्रश है वो टोटल टू आई करेंट को कलेक्ट कर रहा है और वी कैन से टू आई इज़ द आउटपुट करेंट फॉर फर्स्ट केस सेकेंड केस में कम्यूटेटर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है एंड ब्रश का पोजिशन चेंज होकर कम्यूटेटर सेगमेंट बी एंड सी के मिडिल पोजिशन पर आ जाता है मतलब ब्रश का हाफ पोर्सन जो है वो सेगमेंट बी पर है एंड हाफ पोर्सन सेगमेंट सी पर है इस कंडीशन में सेगमेंट बी एंड सी दोनों सेगमेंट से करंट फ्लो करेगी क्योंकि ब्रश दोनों सेगमेंट के साथ सर्किट कंप्लीट कर रहा है जब ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ इस सिचुएशन में रहता है तो इसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोलते हैं क्योंकि कम्यूटेटर इस सेगमेंट माइका से इंसुलेटेड रहता है बट यहाँ पर ब्रश बी एंड सी दोनों सेगमेंट के साथ कनेक्ट है एंड कार्बन मटेरियल जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है इसलिए दोनों सेगमेंट यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है सो so, इस कंडीशन में कोईल टू से करंट फ्लो नहीं करेगी कोईल वन से आने वाली करंट क्वाइल टू में ना जाकर डायरेक्टली सेगमेंट बी के थ्रू ब्रश पर जाती है वो क्वाइल टू से फ्लो नहीं करती है उसी तरह क्वाइल थ्री से आने वाली करंट क्वाइल टू में ना जाकर सेगमेंट सी के थ्रू ब्रश पर जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक करेंट का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो फ्लो करने के लिए ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ और लो रेजिस्टेंस पाथ को सेलेक्ट करती है क्योंकि शॉर्ट पाथ का रेजिस्टेंस कम रहता है तो लो रेजिस्टेंस पाथ के कारण कोईल वन एंड थ्री से आने वाली करेंट क्वाल टू में नहीं जाती है एंड डायरेक्टली सेगमेंट बी एंड सी के थ्रू ब्रश पर जाती है सो सेकेंड केस में भी आउटपुट पे टू वाई करेंट मिल रही है सेकेंड केस में शॉर्ट सर्किट कंडीशन ऑकर हो रहा है जिसको कम्यूटेशन पीरियड भी बोला जाता है इसी टाइम जो करेंट है वो रिवर्स होती है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन जब क्वाइल टू से करंट फ्लो नहीं करती है तो क्वाइल के इंडक्टिव प्रॉपर्टी एंड रिवर्सल ऑफ करंट के कारण क्वाइल टू में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा जिसको रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं इस रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण कम्यूटेटर सेगमेंट एंड कार्बन ब्रश के बीच स्पार्क क्रिएट होता है एंड स्पार्किंग के कारण एक आइडियल और गुड कम्यूटेशन नहीं हो पाता है सो रिएक्टेंस वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए डीसी मशीन में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एंड हाई रेजिस्टेंस ब्रशेज का यूज़ किया जाता है जिसको इंप्रूविंग ऑफ कम्यूटेशन मेथड में हम लोग समझेंगे एंड थर्ड केस में जब कम्यूटेटर रोटेट करता है तो ब्रश का पोजिशन चेंज होता है एंड ब्रश कम्प्लीटली सेगमेंट बी पर आ जाता है मतलब जस्ट लाइक फर्स्ट केस जो ब्रश है वो कम्प्लीटली एक सेगमेंट के ऊपर है सो so, यहाँ पर भी क्वाइल वन एंड क्वाइल टू से आने वाली आई करेंट कम्यूटेटर सेगमेंट बी से फ्लो करेगी जिसको ब्रश कलेक्ट करेगा सो थर्ड केस में भी आउटपुट पर सेम टू आई करेंट मिलती है यहाँ पर मैंने ब्रश के थ्री मेजर पोजीशन को कंसीडर करके दिखाया आप और भी स्टेप्स को कंसीडर करके चेक करेंगे तो सेम आउटपुट करंट मिलेगी सो so ब्रश के पोजीशन को थ्री टाइम चेंज किया गया एंड अगर आगे भी ब्रश का पोजीशन चेंज होगा तो सेम आउटपुट मिलेगा सिंस तीनों ही केस में सेम आउटपुट करंट मिल रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कम्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल करेंट और डी करंट मिल रही है So, इस तरह से कम्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू आर्मेचर बाइंडिंग में इंड्यूस्ड ए सी करेंट डी सी करंट में, में कन्वर्ट होती है यहाँ पर जो कर्व है वो कम्यूटेशन पीरियड को शो कर रहा है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करेंट का क्या बिहेवियर होता है जो कर्व भी है वो शो कर रहा है कि करेंट किस तरह से प्लस आई टू माइनस आई की ओर लीनियरली चेंज हो रहा है इन द कम्यूटेशन पीरियड अगर करेंट लीनियरली चेंज होती है तो इस टाइप के कम्यूटेशन को आइडियल कम्यूटेशन बोला जाता है और स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन बोलते हैं जो कर्व ए है वो डिलेड और अंडर कम्यूटेशन को शो कर रहा है जबकि कर्व सी जो है वो ओवर कम्यूटेशन को शो कर रहा है एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंटरवल ऑफ शॉर्ट सर्किट को शो कर रहा है इसमें रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण जो पुअर कम्यूटेशन मिलता है और एक आइडियल कम्यूटेशन नहीं मिल पाता है उन डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स का यूज करते हैं फॉर इम्प्रूविंग ऑफ कम्यूटेशन दैट इज रेजिस्टेंस कम्यूटेशन ई एम एफ कम्यूटेशन एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं डी सी मशीन से रिलेटेड और भी लेक्चर्स को देखने के लिए डी सी मशीन का प्ले लिस्ट पेज जो है उस पर विजिट करें तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें